सुप्रभातम बालका, अद्य वयम् अस्माकं संस्कृत पाठ्यपुस्तके तृतीय पाठ स्वराष्ट्रगौरवम् अध्ययनं करिष्यन्ति। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा बहुत प्राचीन है। वेदेषु अपि आराष्ट्रे राजन्य यजुर्वेद है, वयम् राष्ट्रे जागर्याम यजुर्वेद है, अहम् राष्ट्रीय संगमनि वस्तुनाम ऋग्वेद है। यानी कि वेदों में भी इसका वर्णन किया गया है। जो यजुर्वेद का मंत्र और ऋग्वेद के यहाँ पर मंत्र दे रखे हैं, इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु इनसे आदि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन एतत् स्पष्टम् अस्ति। इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि हमारे राष्ट्र की अवधारणा बहुत प्राचीन है। अस्मदीय राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना, हमारे राष्ट्र की संबंधी अवधारणा अर्वाचीन यानी नवीन है। पश्चिम च आगता इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति। हमारे देश की अवधारणा नवीन है और पश्चिम से आई हुई है, ऐसे जो मानने वाले हैं वो वस्तुतः भ्रांत हैं। भ्रांत यानी झूठ है, यानी गलत है। अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। हमारा ये भारतवर्ष है, ये एक चिर पुरातन यानी बहुत लंबे समय से पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी तत्व चिंतकैश्च केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनैतिकम च घटकम एव राष्ट्रम इति न एव मतम। किंतु यहाँ ऋषियों मुनियों और कवियों और तत्व चिंतकों के द्वारा केवल भौतिक भौगोलिक और राजनैतिक घटकों को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रम इति यद उच्यते राष्ट्र के लिए कहा गया है, तत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम, जहाँ एक चित होकर एक मन से सांस्कृतिक घटक माने गए हैं। वयम इदम राष्ट्रदेवम मन्यामहे, हम सब इसको राष्ट्रदेव मानते हैं। एतद् वै भारतम अस्माकम दृष्टो न कश्चित् मृत्पिण्डो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमिरस्ति। इस प्रकार से भारत हमारी दृष्टि में केवल मिट्टी का पिंड या भूखंड ही नहीं है, अपितु यह हमारी मातृभूमि है। यथा किलो अथर्वेदे, किलोक्तम अथर्वेदे की निश्चित रूप से अथर्वेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, कि भूमि मेरी माता है और मैं भूमि का पुत्र हूँ, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा है, पृथ्वी माता द्योर में पिता, पृथ्वी माता है और आकाश मेरा पिता है। मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि देवभूमिश्च, इस भारत को मातृभूमि माना है यहाँ के लोगों ने। पितृभूमि पुण्यभूमि, पुण्यभूमि इसलिए माना है कि राम कृष्ण का जन्म स्थली ये भारत भूमि ही है। धर्मभूमि कर्मभूमि और देवभूमि या इस भारतवर्ष को माना गया है। इत्ते विविधे रूपै रूपे तास्ति भुवन मन मोहिनी इयम अस्माकं भारत माता। इन विविध रूपों से रूपित यह जो भारत भूमि है, ये इन विविध रूपों से रूपित है। कौन से विविध रूपों से? जो इसके ये नाम यहाँ पर दे रखे हैं, भुवन मन मोहिनी इयम अस्माकं भारत माता, इस संसार का मन मोहने वाली हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी ने, राष्ट्रीयता संबंधी ने, राष्ट्र गौरव संबंधी ने, राष्ट्रभक्ति संबंधी नश्च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव से संबंधित और राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। देखिए हम श्लोकों को देखते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च एव दक्षिणम वर्ष तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये विष्णु पुराण से लिया गया श्लोक है। देखिए इसको हिंदी, यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रय च एव दक्षिणम, यानी कि जो समुद्र के, समुद्रस्य यानी समुद्र के, यत यानी जो, उत्तरम उत्तर में है, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रयश्च एव दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है,
वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संति, और जहाँ की संतान का नाम क्या है भारतीय, जहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है भारतीय कहा जाता है, वह भारतवर्ष कहलाता है, वह भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। देखिए जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, जहाँ के लोगों को भारतीय नाम दिया गया है वह भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है, भारतवर्ष नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। यह बृहस्पत्यागम से लिया गया श्लोक है। हिमालयात, हिमालयात में हमारे यहाँ पंचमी विभक्ति है। समारभ्य आरंभ होकर, यावत जहाँ तक, कहाँ तक, इंदु सरोवरम, इंदु सरोवरम यानी हिंद महासागर तक, जो हिमालय से शुरू होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते, उस देवताओं द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं, उस देवताओं के द्वारा निर्मित जो देश है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। हिमालय से आरंभ होकर हिंद महासागर तक जो फैला हुआ है वह देवताओं द्वारा निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मारक भूते भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात। यह विष्णु पुराण से लिया गया श्लोक है। गायंती यानी गाते हैं, देवा देवता, किल निश्चित रूप से, गीतकानी गीतों को, जहाँ के गीतों को देवता भी निश्चित रूप से गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, और भारत भूमि भाग पर, भारत की भूमि पर रहने वाले वे पुरुष धन्य हैं। तुम रहते हो भारत भूमि पर इसलिए तुम धन्य हो। स्वर्ग अपवर्गास्पद मारक भूते, जो स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग यानी होता है स्वर्ग और अपवर्ग यानी होता है मोक्ष, अपवर्ग यानी होता है मोक्ष, जो स्वर्ग और मोक्ष की मारक भूत है, रास्ता दिखाने वाला है, जो स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष का, स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता है, स्वर्ग और मोक्ष की भूमि है, मार्गभूत है, वह ये भारत भूमि है। भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात, और यहाँ पर देवता भी दोबारा से उत्पन्न होना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं, यहाँ पर देवता भी इस भारत भूमि पर दोबारा से पुरुष का जन्म लेना चाहते हैं। देखिए एक बार दोबारा से देख लिया आप इन श्लोकों को, कि जो समुद्र के उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में है, जहाँ के लोग भारतीय नाम से जाने जाते हैं वह भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध देश है। नेक्स्ट सेकंड नंबर है, हिमालय से आरंभ होकर, हिमालयात यानी हिमालय से आरंभ होकर यावत इंदु सरोवरम, जो हिंद महासागर तक फैला हुआ है, तम देव निर्मितम देशम, उस देवताओं द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तानम प्रसक्तते, हिंदुस्तान कहते हैं। गायंती देवा किल गीतकानी, जहाँ के गीतों को देवता भी गाते हैं निश्चित रूप से, किल यानी होता है निश्चित रूप से। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्यास्तु जो पुरुष इस भारत भूमि भाग पर रहते हैं वो धन्य हैं। स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्ग भूते, जो स्वर्ग और मोक्ष की मार्ग भूत है उस भारत भूमि पर, सुरत्वात भूय भुवंती, देवता भी दोबारा से उत्पन्न होना चाहते हैं। आशा करती हूँ बच्चों श्लोक बहुत आसान है, आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए तीन श्लोक काफ़ी हैं, बाकी श्लोक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।